Hi, this is Manisha Singh. Welcome back to your own YouTube channel. Friends, I hope you all are doing well and good and your exam preparations are also going very well. तो आज आई हूँ आप सभी के बीच एक और जबरदस्त अपकमिंग जॉब की अपडेट लेके जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है CRPF की तरफ से. देखिए फ्रेंड्स, CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की तरफ से वैकेंसी निकल के आई है. कांस्टेबल की पोस्ट रहेगी, ट्रेड्समैन की वैकेंसी रहेगी, मतलब ये वैकेंसी ट्रेड वाइज आएगी. नंबर ऑफ सीट्स की बात करें ना तो बम्पर नंबर की सीट निकल के आई है. यहाँ पे आप देख सकते हैं 12,158 यानी कि 12,158 पोस्ट के लिए ये भर्ती आपकी रहने वाली है. देखिए फ्रेंड्स, ये होती है ग्रुप सी की पोस्ट. इसके लिए ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई करेंगे. तो बता देती हूँ मेल का कितना सीट है एंड फीमेल का कितना सीट रहेगा. देखिए, मेल कैंडिडेट के लिए 11,860 यानी 11,860 पद रहेंगे. फीमेल्स के लिए 298 यानी 298 सीट आपकी महिला कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है. तो आगे बताएंगे इस पोस्ट के बारे में आपको सारी की सारी जानकारी. लेकिन अगर आप चाहते हैं इससे रिलेटेड ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना या फिर आप एग्ज़ाम सिलेबस वगैरह जानना चाहते हो तो दोनों चीज़ें अपलोडेड है मेरे टेलीग्राम चैनल पे. और हाँ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, तो जाइए जाके वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए. चलिए अब हम लोग इस पोस्ट के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं. फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर दो तरह के पोस्ट रहने वाले हैं, कांस्टेबल कुक का एंड कांस्टेबल वाटर कैरियर. सिंपली देखा जाए तो ये किचन सर्विसेज से रिलेटेड आपकी ट्रेड होने वाली है और कांस्टेबल का ये पद रहेगा. फॉर्म फी की अगर बात की जाए, जनरल OBC और EWS से 100 रुपीज़ लिया यानी कि आपसे 100 रुपया लिया जाएगा जो कि जनरल OBC और EWS के कैंडिडेट होंगे. वहीं पर जो SC ST के कैंडिडेट होंगे और सभी कैटेगरी की फीमेल यानी महिला कैंडिडेट का फी एग्जेम्प्टेड होगा, उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा. अब आते हैं हम लोग एज की लिमिट पे. तो देखिए, एज का जो लिमिट है ना, 18 वर्ष से 25 वर्ष मीन्स 18 to 25 ईयर्स के सभी कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे. रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा OBC को फॉर 3 ईयर्स एंड SC ST को 5 ईयर्स यानी 5 वर्ष का. ये तो आपको पता ही होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी भर्ती में एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है. यहाँ पर देख लेते हैं व्हाट इज़ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. तो क्वालिफिकेशन कुछ ऐसा हाईली डिमांड नहीं किया गया, सिंपली जिन्होंने भी 10th यानी 10वीं पास कर रखी है वो सभी बच्चे एलिजिबल रहेंगे. डजंट मैटर कि आपका 10th में क्या परसेंटेज है, बस पास आउट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो. बट यहाँ पर एक पॉइंट है. यहाँ तक तो सब कुछ सिंपल था, आपने देखा कि ये किचन सर्विसेज से रिलेटेड रहेगा यानी कि कुक की भर्ती रहेगी, वाटर कैरियर की भर्ती रहेगी. तो 10वीं पास होना यहाँ पर काफ़ी नहीं है. एक और चीज़ यहाँ पर दिया गया है नोटिफिकेशन में, NSQF लेवल 1 कोर्स का फूड प्रोडक्शन या फिर किचन का सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम NSDC. यहाँ पर देख लीजिए साफ साफ लिखा हुआ है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके ये सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, कोर्स कर लीजिए. या फिर अगर आपने NSDC के किसी भी इंस्टीट्यूशन से फूड प्रोटेक्शन या फिर किचन का आपने सर्टिफिकेट यही NSQF का लेवल 1 वाला ले रखा है तभी आप अप्लाई कर सकते हो. और एक और चीज़ आपको ये बता दूं कि देखिए, जैसे पिछले बार अभी हुआ क्या था कि BSF में आई थी ट्रेड्समैन की यही भर्ती कुक और वाटर कैरियर की, तो उसमें भी ये सर्टिफिकेट मांगा गया था. तो बहुत सारे कैंडिडेट इसका आपका NSDC का सर्टिफिकेट नहीं बनवा के जाली सर्टिफिकेट के थ्रू उन्होंने वहाँ पर ज्वाइनिंग तो कर ली, बट धीरे धीरे क्या हुआ ना कि जाली यानी फेक सर्टिफिकेट होने की वजह से उन सबको जॉब से निकाला जा रहा है. तो एकदम ध्यान रहे कि NSDC का ही आप सर्टिफिकेट बनवाएंगे और अगर आपके पास कुकिंग वगैरह का नॉलेज है तो आप उसमें पास हो जाएंगे और आपको कोई जॉब से नहीं हटाएगा. ये परमानेंट भर्ती रहेगी, कोई अग्निवीर के तहत वैकेंसी नहीं है. लॉन्ग टर्म जब तक आप रिटायर नहीं होंगे तब तक आप यहाँ पर जॉब कर सकते हैं. ठीक है, सारी बेसिक जानकारी आपको मैंने क्लियर कर दी है. अब आते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, किन किन स्टेज से पास आउट होने के बाद आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दी जाएगी. देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 5 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस है. एट फर्स्ट स्टेज यू हैव टू क्लियर द ऑनलाइन CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो ऑनलाइन एग्जाम होता है ना वो आपको क्वालिफाई करना है. देन आफ्टर
फिजिकल क्लियर करना होता है एंड उसके बाद आपका ट्रेड से टेस्ट होगा, मतलब कि अब आपको कुक की पोस्ट के लिए रखेगा तो ऑब्वियसली है कि आपको खाना बनाने आना चाहिए, कुकिंग इसेंशियल नॉलेज होना चाहिए, वाटर कैरियर के लिए भी ये सब आपका ट्रेड का टेस्ट होगा, कुछ वैसा हार्ड टेस्ट नहीं होता है। उसके बाद आपका डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाता है, फिर बेसिक एक मेडिकल टेस्ट होता है, देन आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर सेंड कर दी जाती है, फिर आप ज्वाइन कर लेते हैं। तो आप ज्वाइन करोगे आफ्टर सम टाइम, बट फिलहाल हम लोग जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको इन डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि पहले स्टेज पर आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, तो एग्ज़ाम आपका 2 आवर्स यानी कि 2 घंटे का होता है। 100 क्वेश्चंस होते हैं फॉर 100 मार्क्स, मतलब पर क्वेश्चन 1 मार्क मिलते हैं, एंड देयर विल बी निगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4, मतलब 0.25 की निगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। सो बी अवेयर, क्वेश्चन को सोच समझ के ही आंसर टिक करके आइएगा। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट वाइज बात करें तो 4 सब्जेक्ट से है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग मतलब रीजनिंग से रिलेटेड 25 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस मतलब जीके जीएस और करेंट अफेयर्स को कंबाइन करके 25 क्वेश्चन यानी 25 क्वेश्चन रहेंगे। एलिमेंट्री मैथ से 25 क्वेश्चन, मतलब गणित से भी 25 प्रश्न रहेंगे। लास्ट सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश या हिंदी, जी हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, इंग्लिश या हिंदी दोनों नहीं पूछेगा। जो बच्चे इंग्लिश में ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे वो इंग्लिश में आंसर करेंगे 25 क्वेश्चन, और अगर आपकी इंग्लिश वीक है आप हिंदी में देना चाहते हो तो बस आप 25 क्वेश्चन हिंदी में दोगे। तो लास्ट यही आपका लैंग्वेज का 25 क्वेश्चन फॉर 25 मार्क्स रहेगा। तो ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न है जो कि क्वालिफाइंग होता है। इसमें क्वालिफाई करने के बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। तो फिजिकल का क्या क्राइटेरिया है आइए मैं समझा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, फिजिकल में सबसे पहले आपका हाइट मेजर किया जाता है। तो मेल कैंडिडेट के लिए 165 है और एसटी कैटेगरी मेल के लिए 160 सेंटीमीटर रहेगा। फीमेल्स के लिए 155 यानी 155 सेंटीमीटर है और एसटी जो कैंडिडेट होंगे फीमेल उनके लिए 148 यानी 148 सेंटीमीटर। उसके बाद आपका चेस्ट मीजर होता है ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स 75-80 सेंटीमीटर, विच मीन्स कि 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। इसको क्वालिफाई करोगे आप तो लास्टली रनिंग होता है यानी दौड़ कराया जाता है, रेस होता है 1.6 किलोमीटर्स की, मतलब 1600 मीटर है दोनों मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए, और इसको कंप्लीट करना होता है मेल कैंडिडेट को 10 यानी कि 10 मिनट में एंड फीमेल्स को 12 यानी कि 12 मिनट्स के अंदर। सो दिस इज योर फिजिकल क्राइटेरिया, जिसमें क्वालिफाई करोगे तो आपका ट्रेड टेस्ट होगा, मतलब कुकिंग करना होगा उससे रिलेटेड, या फिर वाटर कैरियर है तो उससे रिलेटेड आपको वहाँ पर काम करके दिखाना होगा। उसमें क्वालिफाई करोगे तो आपके कागज पत्र यानी कि डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा, और उसके बाद बेसिक मेडिकल के बाद आप ज्वाइन कर जाओगे एज अ कांस्टेबल कुक एंड कांस्टेबल वाटर कैरियर, जो कि ग्रुप सी की सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती होती है, और सीआरपीएफ के थ्रू आपको ऑल ओवर इंडिया में जहां पर भी एलोकेट किया जाएगा ना आपको वहां पर सर्विस देना होगा। रही बात एग्जाम सेंटर्स की, तो ऑल ओवर इंडिया के लिए रहेगा, जो भी आपके नियर बाई सिटी होंगे वहां पर ही एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। सो आई होप कि अभी इससे रिलेटेड सारी डिटेल्स मिल गई होगी, बस एक चीज आपको जानना बाकी है कि सैलरी क्या मिलेगा। देखिए एज यू ऑल नो कि ये ग्रुप सी की पोस्ट है, तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी 21,700 होती है एंड आफ्टर पर्क्स एंड अलाउंसेस पर ईयर की इंक्रीमेंट के बाद आपकी सैलरी 69,100 यानी कि 70,000 के अप्रोक्स हो जाती है। देखिए ये तो नोटिफिकेशन में लिखा गया, बट मैं आपको अश्योर करती हूँ कि आफ्टर ज्वाइनिंग आपको 21-22 हज़ार नहीं 35-40 हज़ार रुपया मिलता है थ्रू आपकी ऑन जॉब ट्रेनिंग, और बाद में बढ़ा के ना ये आपकी 80-90 हज़ार कर दिया जाता है। तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, इसका जरूर लाभ उठाए। आई नो कि आपके मन में डाउट होगा कि आपने सारा चीज़ बता दिया, ये तो बोला ही नहीं कि फॉर्म कब से अप्लाई होगा। चलिए मैं बता देती हूँ, जैसा कि आपको पता है कि अभी अगस्त पूरा खत्म होने वाला है, 10 दिन बचा है, नेक्स्ट मंथ आपका सितंबर का 15 जो होता है ना 15 सितंबर के बाद से लेके अक्टूबर के 1st वीक तक ये आपका फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा।
पहले बताने का मोटो ये है कि आप अभी से तैयारी में लग जाओ, फिजिकल की भी तैयारी साथ ही साथ करते रहो आप, ताकि जब एग्ज़ाम क्वालिफाई करो तो फिजिकल में फिर आपका छूट ना जाए, ठीक है। आई नो कि आप तैयारी कर रहे होंगे, बट स्पीड को थोड़ा बूस्ट कर लीजिएगा। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो एक लाइक ज़रूर करना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते जाना है। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट करते जाना है, ताकि सारे न्यू जॉब की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।